हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं होम पेज पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन दे रखे होंगे यहाँ पर, जैसे कि प्लस का फ्रेम बाय फ्रेम, ओके ठीक है इसमें, और बाकी लेयर्स। लेयर्स तो भाई साहब मेन ही चीज है हमारे लिए। लेयर्स, अगर आपको लेयर्स के बारे में, लेयर्स सेम टू सेम जैसे कि हम ड्रॉ करते हैं आईबीएस पेंट में, उसी तरीके से इसमें भी यूज किया गया होगा, तो मैं लेयर्स का इसमें काफी ज्यादा यूज करने वाला। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले बैक कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं, ये रहा बैक बैक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ फ्रेम बाय फ्रेम कुछ एनिमेशन बनाने वाला हूँ, कुछ बेसिक सा एनिमेशन, मतलब प्रो लेवल का एनिमेशन होगा वो, क्योंकि हम इसमें सीखेंगे प्रो लेवल का एनिमेशन कैसे बनाए आईबीएस पेंट पे फोन में, ठीक है। उंगली किसी की बनता आएगा यहाँ पे सबसे पहले रफ स्केच बनाऊंगा मैं, ताकि मेरे को आसानी हो काफी ज्यादा। यहाँ पे एक बच्चा बंदा होगा, वो फ्लाई करेगा, फ्लाई मतलब ऊपर से गिरेगा पैरासूट लेके, इसके यहाँ पे पैर होंगे, यहाँ पे इसकी बॉडी होगी। थोड़ा और इसको कर देता हूँ हल्का सा क्लियर, हाँ अब लगा ये इसका, यहाँ पे पैर होगा, यहाँ पे बॉडी होगी, यहाँ पे इसका पैर होगा, ताकि पता चले क्या क्या क्या, क्या है, ठीक है ओके। तो मैं इसको टाइम लैप्स कर देता हूँ ताकि आप भी बोर ना हो और मुझे भी बोर ना हो, क्योंकि मेरे को पंखा ऑन करना है, पंखा बिना ऑन किए वॉइस अच्छे से नहीं आती है। तो गाइस मैंने यहाँ पर इसका जो रफ स्केच होता है मैंने बना लिया है अपनी जो मैं एनिमेशन मतलब बना रहा हूँ इसमें आईबीएस पेंट पर, और मैं आपको जैसे कि दिखा सकता हूँ इसको अगर मैं प्ले करके देखता हूँ तो। एक्चुअली पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्काई बैकग्राउंड भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है अपने तरीके से किया है मैंने ऐड, मतलब इमेजेस के वाइज, क्योंकि मेरे को इसमें समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसमें इमेजेस को मूवमेंट कैसे दूँ, मतलब कैमरा मूवमेंट कैसे दूँ आईबीएस पेंट में। और वैसे भी ये फ़ोन का ऐप है, छोटा मोटा एनिमेशन का ऐप है, तो इसमें मैं कैमरा मूवमेंट कैसे दे सकता हूँ, शायद दे भी सकते हो पर मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कहाँ से देते हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ही ट्राई करने का ये। एंड यहाँ पर मैं अगर मैं ऑन कर दूँ पूरा इसको ऑन कर देता हूँ, मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ, इसको भी ऑन कर देता हूँ। सो या जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैंने सारे रफ स्केच मैंने इसके बना लिए हैं, यहाँ से आसमान से स्काई डाइविंग करते हुए आ रहा है, और ये इसके इसको एक पक्षी परेशान, इसको एक चिड़िया परेशान करती है, फिर ये इसको लात मारता है, फिर ये इसके ऊपर हमला करती है और इसको छोड़ देती है, फिर नीचे जाता है एंड इसका फिर पैराशूट खुल जाता है। लड़की है लड़का है मुझे नहीं पता, शायद लड़की है, खुल जाता है इसका पैराशूट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम एक बार प्ले करते हुए देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट यहाँ पर ये है इमेजेस। तो यहाँ से एक बार इसको प्ले करके देखते हैं कैसा लगेगा, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको इस पर मैं डबल लेयर ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमको इसकी स्लो मूवमेंट लगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तेज जा रहा है। तो मैं एक काम करूँगा इसको पहले यहाँ पर डुप्लीकेट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आता है, इसका डुप्लीकेट फ्रेम कर देते हैं, ये आता है इसका डुप्लीकेट फ्रेम कर देते हैं, ओके ओके ठीक है, बस कुछ गड़बड़ ना हो उसमें, ठीक है। याहू, देखो ये गिरते हुए इसमें थोड़ी साउंड भी डालनी पड़ेगी अच्छी खासी, ये इसको मारते हैं, याहू याहू यस हेलो, फिर यहाँ पे आता है याहू हाय, ये आ बचाओ, फिर यहाँ पे आहू, ओके ठीक है मजाक खत्म हो गया, डुप्लीकेट फ्रेम करते हैं एंड यहाँ पे आर पी कर से इसको 13 फ्रेम दे देंगे हम, क्योंकि ये थोड़ा मेन है। या अब ठीक है, अब थोड़ा सा मेरे को समझ में आ रहा है कैसे ये हो रहा है, ठीक है।
कैसे मूवमेंट जा रही है और कैसे हो रहा है। थोड़ा स्लो करना पड़ा मेरे को, सॉरी, फ्रेम थोड़ा खराब करना पड़ा, लेकिन ये वर्थ है। मैं इसको अब इसके बाद अभी मैं इसको फिर फुल टू फुल ड्रॉ करूंगा, मतलब कि इसका जो रफ स्केच था ये, तो अभी मैं इसको पूरा फुल एनिमेट कर, मतलब कि कलर वगैरह करूंगा फाइनल इसका आउटलाइन बनाकर, ठीक है। तो प्लीज़ देखते रहिए। तो अभी के लिए इतना इसकी कलरिंग वलरिंग में, इसका मतलब कि जो आगे का बनाते हैं फाइनल वाला, मैं इसको इसका नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आप इसको अभी देख सकते हो जाके, फ्लिपर क्लिप में एनिमेशन कैसे करें फोन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लगी, क्योंकि मैंने इसमें कुछ डिफरेंट एडिटिंग करी है। तो या प्लीज जाके इसको वॉच कर लेना और थोड़ा लाइक कर देना प्लीज। मैंने जिस हिसाब से इस पे मेहनत करी थी उस हिसाब से वॉचिंग नहीं आई है, तो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड सा फील हो रहा है। बाकी वही कहूंगा कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा।